सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं CGSEF के बारे में। तो देखिए, CGSEF का एग्जाम जो आपका होना है उसका डेट आ गया है 5 दिसंबर 2021 को आपका एग्जाम होना है CGSEF का। जिन्होंने पिछले बार ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था उनके लिए ओपन कर दिया गया है। 11 अक्टूबर 2021 से आपका 30 अक्टूबर 2021 तक वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने पिछले साल आवेदन किया था उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका जो है ऑलरेडी मान्य है, वो ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं। तो इसका आवेदन जो करना चाहते हैं नए स्टूडेंट, वो इस डेट के बीच कर सकते हैं। देखिए, ये जो बात मैंने कहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 16/6/2020 से 15/7/2020 तक छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 हेतु आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसे आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट जानकारी और भी है यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने के अंतिम तिथि के बाद 31 अक्टूबर से आपका 4 नवंबर तक, इसके बीच में आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। केवल एक ही बार ऑनलाइन ही किया जा सकता है। अगर शुल्क के साथ आपका त्रुटि सुधार करना है तो वो 5 नवंबर से 9 नवंबर के बीच शुल्क के साथ, 100 रुपये शुल्क के साथ त्रुटि सुधार किया जा सकता है। तो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। साथ ही देखिए इसमें और क्या क्या चेंजेस हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको आवेदन जो है दोबारा नहीं करना होगा अगर आपने पहले कर लिया है। साथ ही दूसरा चीज ये कहा गया है कि आपने जो सेंटर चुना था, एग्जाम सेंटर चुना था, उसको भी चेंज करना चाह रहे होंगे, क्योंकि एक साल हो गया, एक साल में काफी सारे चीज चेंज हो जाता है। तो जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया था उन्हें दिनांक 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच परीक्षा केंद्र का चुनाव का विकल्प दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र का चुनाव ऑनलाइन के माध्यम से केवल एक ही बार कर सकते हैं। तो आपने पिछले साल जो भी सेंटर चुना था एग्जाम के लिए, उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में। साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है अगर आप पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किए हैं और अपना सेंटर चेंज नहीं करते हैं तो फिर जो सेंटर आपको मिलेगा, ऐसी स्थिति में देखिए आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। जो भी सेंटर मिलेगा आपको आयोग द्वारा निर्धारित किया हुआ मिलेगा। फिर से देख लेते हैं हम लोग इधर। देखिए, कुल 178 पदों के लिए एग्जाम है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर शैक्षणिक अर्हताओं को भी बढ़ाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, प्राणी शास्त्र, कृषि और वानिकी में से कम किसी एक विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। तो आपको इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी और भी दिया गया है, चिकित्सा शिक्षा, आयुष के किसी भी विषय शाखा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक डिग्री, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ये जो है आपका अभी ACF के एग्जाम का जो शुद्धि पत्र आया है उसके बारे में था। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 वर्ष का परिवेक्ष होगा जब वहाँ पर आप जैसे सिलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद से। तो ये था इम्पोर्टेंट जानकारी आपके ACF एग्जाम से संबंधित। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।